कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं हूँ सोनम, इन्फॉर्मेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है अगर आप ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में जानना चाहते हैं जो एक जैसे सुनने में आते हैं, जिनका साउंड सिमिलर है, जिनका ऑलमोस्ट प्रोनाउंसिएशन सिमिलर है, बट उनके मीनिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, जैसे एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, क्लाइमेट और वेदर। ये भले अलग अलग हैं वर्ड्स दोनों, बट दोनों के मीनिंग में इतनी सिमिलैरिटी और इतना डिफरेंस है कि बहुत मेजर कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। जैसे ऑलरेडी या ऑलरेडी, एडॉप्ट या एडेप्ट। तो ऐसे बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स हैं जिनके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है अगर आप सच में अपना डाउट क्लियर करना चाहते हैं ऐसे कन्फ्यूजिंग वर्ड्स को लेकर। तो आज का वीडियो उन्हीं ऐसे वर्ड्स के बारे में है जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन से हैं वो वर्ड्स, उनके मीनिंग में क्या डिफरेंस है और उनके ऊपर हम सेंटेंस भी देखेंगे। तो वीडियो इज़ ओवरऑल वेरी यूजफुल फॉर यू, सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दो सिमिलर वर्ड्स जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं वो है अफेक्ट और इफेक्ट। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव या प्रभाव डालना। एग्जाम्पल, ड्रिंकिंग विल अफेक्ट हिज हेल्थ। ड्रिंकिंग विल अफेक्ट हिज हेल्थ मतलब शराब पीने से उसका स्वास्थ्य प्रभावित होगा। जबकि इफेक्ट का मतलब होता है परिणाम या असर। जैसे व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस एक्शन। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस एक्शन मतलब इस काम या इस कार्रवाई का क्या असर होगा। नेक्स्ट वर्ड है एडॉप्ट और एडेप्ट। एडॉप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, अपनाना। एग्जाम्पल, आई शुड एडॉप्ट अ हेल्दियर लाइफस्टाइल। आई शुड एडॉप्ट अ हेल्दियर लाइफस्टाइल मतलब मुझे एक स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। या आई एम थिंकिंग टू एडॉप्ट अ चाइल्ड मतलब मैं एक बच्चे को गोद लेने का सोच रही हूँ। तो एडॉप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, अपनाना, जबकि एडेप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनाना, ढालना। जैसे शी न्यू हाउ टू एडेप्ट हरसेल्फ। शी न्यू हाउ टू एडेप्ट हरसेल्फ मतलब वो जानती है कि खुद को कैसे ढालना है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। जैसे शी एक्सेप्टेड द ऑफर। शी एक्सेप्टेड द ऑफर मतलब उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जबकि एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर, के अतिरिक्त मतलब उसके अलावा। जैसे वी वर्क एवरी डे एक्सेप्ट संडे। वी वर्क एवरी डे एक्सेप्ट संडे मतलब हम संडे यानी रविवार को छोड़कर हर दिन काम करते हैं। नेक्स्ट, अबिलिटी और कैपेसिटी। बहुत सारे लोग इस वर्ड्स में, इन दोनों के मीनिंग में बहुत कंफ्यूज होते हैं। अबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, दक्षता। जैसे ही हैज़ द अबिलिटी टू डू द वर्क। ही हैज़ द अबिलिटी टू डू द वर्क उसके पास काम करने की क्षमता है, मतलब वो ये काम कर सकता है। जबकि कैपेसिटी का मतलब होता है सामर्थ्य या धारण क्षमता, शक्ति। ठीक है, जैसे दिस टैंक हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 20 लीटर्स। दिस टैंक हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 20 लीटर्स मतलब इस टैंक की क्षमता 20 लीटर है। नेक्स्ट, एक्सिस और एक्सिस। दोनों का प्रोनंसिएशन सेम है बट दोनों के मीनिंग और स्पेलिंग डिफरेंट है। एक्सेस का मतलब होता है पहुंच। जैसे दे हैव नो एक्सेस टू द प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री तक उनकी कोई पहुंच नहीं है। जबकि एक्सेस का मतलब होता है अधिक या अधिकता या अति। जैसे एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड हर चीज की अधिकता बुरी बात है। नेक्स्ट वर्ड है जो बहुत कंफ्यूजिंग है, ऑलवेज और ऑलवेज। दोनों में क्या डिफरेंस है? ऑलवेज का मतलब होता है सभी तरीके से या सभी तरह से, ऑलवेज। जैसे दैट वॉज अ बैड एक्सपीरियंस इन ऑलवेज।
मतलब ये सभी तरीके से एक बुरा अनुभव था, सभी तरीके से, ऑलवेज, हर तरह से। जबकि ऑलवेज का मीनिंग होता है हमेशा। शी ऑलवेज हेल्प्स मी, शी ऑलवेज हेल्प्स मी, मतलब वो हमेशा मेरी मदद करती है। नेक्स्ट वर्ड है ऑलरेडी और ऑलरेडी, ऑलरेडी और ऑलरेडी। ऑलरेडी का मतलब होता है पूरी तरीके से, पूरी तरह से। जैसे शी इज ऑल रेडी टू टॉप द एग्जाम, शी इज ऑल रेडी टू टॉप द एग्जाम, वो परीक्षा में टॉप करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जबकि ऑलरेडी का मीनिंग होता है पहले से। जैसे वी हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हिम, वी हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हिम, मतलब हमने उसे पहले ही सूचित कर दिया है। नेक्स्ट वर्ड है अपोजिट और ऑपोजिट, अपोजिट और ऑपोजिट। अपोजिट का मीनिंग होता है उचित या उपयुक्त। ये वर्ड शायद आपको नहीं पता होगा, आप जान लीजिए। सिर्फ एक एक लेटर का डिफरेंस है दोनों की स्पेलिंग में, बट मीनिंग बहुत अलग है। अपोजिट का मतलब होता है उचित। जैसे हिज एडवाइस इज अपोजिट टू हिज ब्रदर, उसकी सलाह उसके भाई के लिए उचित है। हिज एडवाइस इज अपोजिट टू हिज ब्रदर। जबकि ऑपोजिट का मतलब होता है विपरीत, उल्टा। जैसे दे हैव ऑपोजिट व्यूज ऑन दिस इशू, दे हैव ऑपोजिट व्यूज ऑन दिस इशू, इस मुद्दे पर उनके विपरीत विचार हैं। नेक्स्ट वर्ड है बैथ और बाथ। सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है उनकी स्पेलिंग में, लेकिन उनका जो मीनिंग है वो बहुत अलग है। जैसे बैथ का मतलब होता है तैरने जाना या तैराई के लिए जाना, ठीक है। जैसे दे वेंट फॉर अ बैथ इन द रिवर, दे वेंट फॉर अ बैथ इन द रिवर, वो नदी में तैरने के लिए गए, गोता लगाने के लिए गए। जबकि बाथ का मीनिंग होता है स्नान करना, नहाना। एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू टेक अ बाथ, आई एम गोइंग टू टेक अ बाथ, मतलब मैं नहाने जा रहा हूँ। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है इस लिस्ट का क्लाइमेट और वेदर। बहुत बहुत डिफरेंट वर्ड होते हुए भी कन्फ्यूजिंग वर्ड्स हैं। क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु, मतलब ऐसी मौसम की अवस्था जो लंबे समय तक रहती है। जैसे एग्जाम्पल तमिलनाडु हैज़ अ वार्म क्लाइमेट, मतलब तमिलनाडु की जलवायु गर्म है, वहाँ पर हमेशा गर्मी रहती है। बट वेदर का मीनिंग होता है मौसम। जैसे द वेदर इज गुड टुडे, द वेदर इज गुड टुडे, आज मौसम अच्छा है। तो मौसम चेंज हो सकता है, दिन में गर्मी हो सकती है, शाम को अच्छी हवा चल सकती है। बट क्लाइमेट ओवरऑल देखा जाता है जो लंबे समय तक चलता है। जैसे हम ऐसा बोले द क्लाइमेट वॉज वार्म लास्ट ईयर, पिछले साल मौसम गर्म था। बट वेदर मीन्स शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, ओके। तो देखा आपने कितने ज़्यादा कन्फ्यूजिंग वर्ड्स हैं ये। मतलब ये वर्ड्स सुनने में एक जैसे होते हैं, पढ़ने में भी ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं, बस उनकी स्पेलिंग में डिफरेंस होता है, ठीक है, बट उनकी मीनिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल था। अगर इन वर्ड्स के बारे में आप पहले नहीं जानते थे, या इस वीडियो में से आपको ऐसे कुछ वर्ड्स के बारे में जानने के लिए मिला जो आपके लिए यूज़फुल है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका लाइक, कॉमेंट और शेयर मीन्स अ लॉट टू मी। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और अपनी ओपिनियन इस वीडियो के बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। एंड वन मोर थिंग, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसे बहुत यूजफुल इंग्लिश बेस्ड, एजुकेशन बेस्ड वीडियोज अपलोड करते रहते हैं जो आपके डेली लाइफ में बहुत ज्यादा काम आते हैं। सो डू सब्सक्राइब इन्फॉर्मेशन सेंटर एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन मिल जाए जब इस चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड हो। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।